एंड फेमस एलपी बैकवाटर्स में हूँ और बारिश कभी भी हो सकती है। अभी जुलाई का मौसम चल रहा है तो अगर इस मौसम में आइए तो छाता पक्का कैरी कीजिए हमेशा अपने साथ, बट मानसून का मज़ा ही अलग है। आज मैं एलपी में हूँ। एलपी जैसे वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है केरला का, और अगर आप केरला आते हो तो एलपी बिना घूमे अगर आप जाते हो तो आपने केरला का बहुत सुंदर पार्ट मिस कर दिया। तो एलपी मैं कल ड्राइव करके आया था तो कल ज़्यादा घूम नहीं पाया, तो आज से ही मेरा ट्रैवल शुरू होता है। बेसिकली ये फेमस है बैक वाटर्स के लिए, आप जो मेरे पीछे जाते हुए देखो इसको कैनोए बोलते हैं। सो यहाँ पे घूमने के बैक वाटर्स एक्सप्लोर करने के तीन चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक हाउस बोट ले सकते हैं ओवरनाइट रेंट पे, सो उसी में आपको लंच डिनर स्नैक्स प्रोवाइड किया जाएगा, सो पूरी रात के लिए आप उसमें रह सकते हो और सुबह अगले दिन आपको ड्रॉप कर देगा। सो वो थोड़ा प्रीटी कॉस्टली पड़ता है, लाइक 8,000 रुपये से शुरू है। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास कि आप एक डे पैकेज बुक करते हो सेम हाउस बोट में, जिस पर आप रात को नहीं ठहरोगे बट दिन में आपको लंच करवाया जाएगा और शाम को आपको ड्रॉप कर देगा। वो आपको कॉस्ट पड़ेगा 2,000 से 3,000 के ऊपर। इसके अलावा एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं शिकारा, तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक हाउस बोट है, ऐसे डबल लेयर हाउस बोट भी है, तो डिफरेंट काइंड हाउस बोट यहाँ पर है। तो शिकारा क्या है, मोटर बोट है, उसके ऊपर छत लगी हुई है, तो वो आपको चार्ज करेगा 500 रुपीज़ पर आवर, एक घंटे का 500 रुपये लेगा और आप उसके थ्रू घूम सकते हो काफ़ी एरिया यहाँ पे अंदर ही अंदर। काफ़ी एक्चुअली ये काफ़ी कैनाल सिस्टम से जुड़ा हुआ है पूरा बैक वाटर, सो अंदर कुछ छोटे छोटे गाँव हैं, खेत हैं, पैडी फील्ड्स हैं, सो नाइस एक्सपीरियंस। इसके अलावा एक और ऑप्शन है पतली नैरो बोट जो मैंने शुरू में दिखाया था कैनोई, उसका कॉस्ट है 350 रुपीज़ पर आवर, तो 350 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वो आपसे चार्ज करेगा, उसके थ्रू भी आप घूम सकते हो बट उससे आप ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते हो। तो शिकारा अच्छा ऑप्शन है कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो, लाइक सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो मेरी तरह, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फेरीज भी चलती हैं जिसके लिए मतलब टूरिस्ट के लिए अलग स्पॉट्स बुक है, लाइक अपर फ्लोर पे अपार्ट फ्रॉम द लोकल जो यहाँ पे लोकल ट्रैवलिंग करते हैं उससे, तो उसका कॉस्ट है 60 रुपीज़, तो अप एंड डाउन का आपको 120 रुपीज़ पड़ेगा, तो उससे काफ़ी एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हैं, बाकी सीज़न वाइज आप यहाँ कभी भी आ सकते हो, बट
वही थोड़ा सा गर्मी या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो प्रीफर कीजिए विंटर्स में आने का, या फिर आप मानसून में भी आ सकते हो। मैं मानसून बहुत पसंद करता हूँ, सो मानसून का अभी मानसून का समय चल रहा है, सो इट्स ऑल्सो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एलएपी को इस समय एक्सप्लोर करने का। तो मैं फ़िलहाल रुका हुआ हूँ मलयालम लेक रिज़ॉर्ट, बहुत सुंदर लाइक होम स्टे रिज़ॉर्ट है, और रूम्स भी काफ़ी महंगे नहीं है, लेकिन रूम्स काफ़ी सुंदर है, सुपीरियर रूम्स भी हैं। बट अगर आप फैमिली के साथ आते हो या फिर आप कपल हो तो फिर आप उन रूम्स को बुक कर सकते हो, और इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। मैं जहाँ बैठा हूँ तो बिल्कुल ये जो होम स्टे है तो ये बिल्कुल मतलब बैक वाटर्स के बिसाइड नहीं है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ काम कर सकते हो, समय को ईजीली काट सकते हो। सब ये फ़िलहाल अपने कुछ दोस्तों का वेट कर रहा हूँ जो यहाँ के लोकल्स हैं, तो जल्दी आ जाएंगे, फिर हम एक दो जगह और जाएंगे घूमने के लिए। सो एलपी के लिए और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूँ आपको, तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर टेम्पल्स भी है, उनका आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट है, सो आप वो देख सकते हो। और नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ का कोच्चि है, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 60-70 किलोमीटर्स है। उसके अलावा ये वेल कनेक्टेड है बाई ट्रेन बाई बस, सो आप आराम से आ सकते हो। सो प्लीज़ बने रहिए, आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, मेरे दोस्त कहाँ ले जाते हैं, क्योंकि लोकल्स के साथ आप जिस जगह को एक्सप्लोर इतने अच्छे तरीके से कर सकते हो आप खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि चीज़ें छूट जाती हैं, और दूसरी बात वो लैंग्वेज इशू भी है, क्योंकि यहाँ पे मलयालम लोग बोलते हैं और थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, बट फिर भी काम चल जाता है। तो बने रहिए और घूमते रहिए। कारगिल बोट जेटी इज अ बैक वाटर से अलग थी, देयर इज अ हाउस ऑफ आवर बोट ओनर। तो हम अभी ईगल रेस्टोरेंट में हैं, मेरे हाथ में ये एक ब्राह्मी ईगल है। वैसे तो इस पक्षी को पालतू बनाना बहुत मुश्किल है। एक दो आधे किलो तो फ्राई सर, 750 हाफ के जी विद फ्राई 750 ठीक है, 750 हाफ के जी। सो वी आर डूइंग सम फिश शॉपिंग, सो लेट्स सी हाउ आवर फिश इज गेटिंग कुक्ड। चेकआउट कब है? 11 बजे 11 बजे।
पूछा जो मैंने एक दिन शिवा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता ही कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। खुला आसमान चांद तारे चाहते हैं तेरी पर बंद दीवारों को सजाने पर तेरा जोर है। सपने देखता है खुली फिजाओं के पर बड़े शहरों में बसने की कोशिश पुरजोर है। एक और सफ़र ख़त्म होने को है, एक और कहानी बनने को है। ज़िंदगी शायद एक किताब है जिनमें ये कहानियाँ ही पन्ने हैं। आओ कुछ ऐसे पन्ने हम भी जोड़ते चले और इस सफ़र में ऐसे ही उड़ते चले।